morning class. Welcome to the online classes of SGOI. In this class, I will discuss the revision of your chapters. We will see the conjunctions. Conjunctions kya hote hain? Inko aap dekhiye thoda. What are conjunctions? कंजंक्शन जो होते हैं जो आप जनरली सेंटेंस में यूज होते हैं वो कंजंक्शन होते हैं. जैसे हम आपका आज बताएंगे प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स ऑफ बी एम इज गॉन. जैसे आपका इज एम आर होता है प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स ऑफ बी. प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स ऑफ बी आपका क्या होता है? जो होता है आपका इज एम आर. दीज आर द प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स ऑफ बी. ये बी की प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स होती हैं. इसमें जो भी वर्ब और स्मॉल वेरिएंस को एक्टिव होता है. जैसे कि आपका राम इज गोइंग टू स्कूल. तो विद राम वी विल यूज इज बिकॉज राम इज सिंगुलर. तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इज का इस्तेमाल करेंगे. श्याम एंड मोहन आर फ्रेंड्स. श्याम और मोहन जो है क्या है? फ्रेंड्स है. बिकॉज यहाँ पर दो लोग हैं इसके लिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे. सब प्रयोग करेंगे आर का. बिकॉज व्हेन वी यूज सिंगुलर वी यूज इज एंड व्हेन वी यूज प्लूरल वी यूज आर. इन दिस सेंटेंस राम इज अलोन इट इज सिंगुलर सो वी विल यूज इज. And in this sentence, Ram is Shyam and Mohan are two people. So we will use plural. So we will use R. इसमें हम लोग R का प्रयोग करेंगे और इसमें हम लोग इसका प्रयोग करेंगे. ठीक है? These are the forms. और M का प्रयोग करते हैं आप I का. I am going to market. I am going to market. So we I will use आपने कहा
आपने रात रोज पढ़े में वेन मेरी बहन है या आपका भाई मेरी बहन है उसमें आप लिखेंगे शी इज माय सिस्टर शी इज माय सिस्टर है मेरी बहन है दिस इज अ ट्रांसलेशन ये क्या हो गया आपका ट्रांसलेशन पार्ट हो गया मैं डॉक्टर नहीं हूं उसके बाद दूसरा वाक्य दिया हुआ है वो दिया हुआ है मैं डॉक्टर मैं डॉक्टर नहीं हूं मैं डॉक्टर नहीं क्या हुआ आई एम नॉट ए डॉक्टर आई एम नॉट अ डॉक्टर मैं डॉक्टर नहीं आई एम नॉट अ डॉक्टर क्या तुम्हारा भाई अपने कमरे में है तीसरा निर्णय करना हो गया क्या तुम्हारा भाई अपने कमरे में है क्या तुम्हारा भाई अपने कमरे में है तो उसका क्या है इज योर ब्रदर इज योर ब्रदर इन इज योर ब्रदर इन हिज रूम क्या तुम्हारा भाई इस कमरे में है इज योर ब्रदर इन हिज रूम इज योर ब्रदर इन हिज रूम ये बन जाएगा आपका क्या तुम्हारा भाई अपने कमरे में बच्चों सो दिस इज हाउ वी यूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म्स अब इधर हम बात करें पास्ट की अगर हम बात करें पास्ट की तो पास्ट में आपको दो इस्तेमाल होते हैं वॉज और वर पास्ट में वॉज और वर का प्रयोग किया जाता है वॉज और वर का प्रयोग किया जाता है ठीक है यह आपका होता है पास्ट ये क्या होता है आपका पास्ट जैसे आई वॉज रीडिंग अ बुक मैं बुक पढ़ रहा था आप ये क्या हो जाएगा मैं किताब पढ़ रहा था मेरी पास जैसी बात हो रही है यहाँ क्या हो जाएगा मैं किताब पढ़ रहा था I was reading a book या मैं एक किताब या दो हफ्ते में एक किताब पढ़ रहा था दूसरा माली बगीचे में नहीं था माली बगीचे में नहीं था माली बगीचे में नहीं था क्या बनेगा द गार्डनर वॉज नॉट इन द गार्डन द गार्डनर वॉज नॉट इन द गार्डन या तो हमें पास है ठीक है और वन इज यूज इन द प्रूविंग फॉर्म वन जो है वो कहां पर इस्तेमाल होता है क्यों पास में प्लूरल में व्हेन यू आर यूजिंग पास इन द प्लूरल फॉर्म वहां पे वन का प्रयोग होता है किसका प्रयोग होता है वन का प्रयोग होता है जब पास प्लूरल फॉर्म ठीक है डिफरेंस है व्हेन यू यूज द सेंटेंस इन द पास फॉर्म एंड व्हेन यू यूज द सेंटेंस इन द प्रेजेंट फॉर्म ये पास का उसमें बहुत और वर्ग का प्रयोग होता है इसमें तीन कैटेगरी होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अथॉरिटी सेंटेंसेस एंड अफर्मेटिव सेंटेंसेस ठीक है ही शी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का प्रयोग होता है ही के साथ शी के साथ इट के साथ इनके साथ वॉज का प्रयोग होता है वी यू दे और प्लूरल जो नाउन्स होते हैं उनके साथ इसका इस्तेमाल होता है वर्ग का प्रयोग होता है इसका इस्तेमाल होता है बच्चों
वर का प्रयोग किया जाता है. सो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन टू द थिंग्स. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं. उसके बाद कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आप कुछ करने हैं. क्या वह प्रसन्न था जो दिया हुआ है? क्या वह प्रसन्न था? यह आपका दिया हुआ है, एक सवाल पूछा गया है. अब क्या बोलेंगे? इज पास ना बोलिए. क्या बोलिए? वॉज ही हैप्पी? वॉज ही हैप्पी? क्या वह प्रसन्न था? वॉज ही हैप्पी? ये आपको बन जाएगा पास टेंस. इससे बन जाएगा आपका पास टेंस. उसके बाद हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका क्या बन जाएगा बच्चों? Was the first Prime Minister of India. Who was the first Prime Minister of India? भाई सवाल पूछा गया तो क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. क्या लग जाएगा इसमें? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करें. तो आई होप जो आपको समझ में आ गया होगा कैसे जो पास का प्रयोग करते हैं और कैसे वर्ब का प्रयोग करते हैं. अब ही शी इट के साथ क्या लगेगा? वर्ब लगेगा. और वी के साथ दे के साथ क्या लगेगा? वर्ब का प्रयोग करेंगे. क्योंकि वी और दे जो है प्लूरल में है इसलिए उनके साथ वर्ब लगेगा. और ही शी और इट जो है सिंगुलर में है इसलिए उनके साथ क्या लगेगा? वर्ब लगेगा. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के बाद क्या रहता है? वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होता है. जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें वर्ब के साथ नॉट रहता है. दे वर नॉट डूइंग देयर वर्क. They were not doing their work. यहाँ पर negative sentence निकल गया, इसलिए आप not का प्रयोग करेंगे. इसका प्रयोग करेंगे बच्चों? Not का प्रयोग करेंगे. ठीक है बच्चों? तो I hope आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे sentence लोग frame करते हैं और बनाते हैं. और यही आपका revision जो है आपके लगातार चलेगा आपका. बाकी exam में unseen passage आएगा, essay आएगा और letter application आ सकता है. इसके लिए आप तैयारी करिए. हमने आपको पैटर्न बताई दिया है पूरा कैसे करना है. अपनी अपनी कॉपियों में लिखिए और फिर मुझे जब आपकी क्लास हो तो चेक करिए. ठीक है बच्चों? अभी फिलहाल के लिए इसको इतना रिवाइज करिए. आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे और आगे आपको रिवीजन कराना आपका चलता रहेगा हमारा. ठीक है बच्चों? थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.